से आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया है कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आपको काम करने का मौका तो मिला ही है, साथ ही आपने उस पर कुछ रिसर्च भी किया है। उसके बाद आपकी कुछ नई किताबें 3 आपने इसी पर निकाली है, मानव तस्करी पर। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जो आपके जहन में कई क्वेश्चंस होंगे, कई उनके जवाब भी आपको मिले होंगे और कई सारी ऐसी चीज़ें भी होगी कि जो आपने खोजने की कोशिश की, तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जर्नी करीब 20 साल पहले मेरी चालू हुई थी जी, और जब यूएन मिशंस में था तब भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कि ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप की तरफ महिलाओं का कैसे उनका ट्रांजिट होता है। तो एक क्योंकि वो कॉन्ड्यूट होता था, जो भी यूएन मिशन के एरियाज होते हैं वो नो मैन्स लैंड होता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके थ्रू रूट बनाने के लिए। तो ये कोसोवो में मैंने देखा था, जो मुझे एहसास हुआ, और मतलब दो करीब 20 साल से मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इंट्रोड्यूस हो चुका था उस सब्जेक्ट से। हिंदी में उसको मानव तस्करी शब्द गलत है, मानव तस्करी नहीं है, वो मानव दुर्व्यापार है, क्योंकि मानव तस्करी का मतलब होता है ह्यूमन स्मगलिंग। ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ह्यूमन स्मगलिंग जो होता है वो एक कंट्री के विरुद्ध अपराध है जी जी, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज का वो वायलेशन है। बिल्कुल। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंडिविजुअल के विरुद्ध होता है। मानव तस्करी पे काम करते करते सोचते और शोध जब करना शुरू किया था मैंने, तो एक चीज़ एहसास हुआ मुझे मोर और लेस ग्लोबली, मेरे ख्याल से एक इम्प्रेशन लोगों के मन में ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जिसको मानव दुर्व्यापार बोलते हैं, वो उसका सोल्यूशन हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से देख मिल मतलब लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर सुदृढ़ हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए, तो शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये ग्लोबली इसको नॉर्मली फॉलो किया जाता था जी। तो एक पैराडाइम शिफ्ट, एक नैरेटिव का हम लोग उसको लाना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग ये बोलते हैं कि 3 P's होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, एंड फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पार्टिसिपेशन जी। तो ये 3 P में हम बात करते हैं, तो चाहे प्रिवेंशन की बात करें तो किस से, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर मुझे एक सेंटेंस में किसी को समझाना हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कुछ नहीं है, इट इज़ बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी जी जी। तो वल्नरेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल में है, अगर उसको बाई चांस अगर वल्नरेबिलिटी जो कॉज कर रहा है वो अगर कंट्रोल में नहीं है, तो कम से कम उसको एड्रेस करने के लिए सोशल जस्टिस सिस्टम के हाथ में है। जी जी जी। तो अगर हम वल्नरेबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, जो ट्रैफिकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सोशल जस्टिस सिस्टम को एक्टिव होना पड़ेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो जब विक्टिमाइज हो चुका होता है उसके बाद उसका रोल आता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा विषय है कि जो भी विक्टिम एक बार ट्रैफिक हो गया तो उसको फिजिकल हार्म से ज्यादा साइकोलॉजिकल हार्म होता है। वो ऐसा डैमेज होता है कभी कभार की जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, इरिपेरेबल डैमेज है। एक और जो बहुत बड़ा गैप है हमारे सिस्टम में वो ये है कि साइकोलॉजिकल क्योर के लिए हम कम बात करते हैं। अगर देखेंगे कोई विक्टिम को अगर रेस्क्यू किया पुलिस ने, रेड रेस्क्यू अगर जो करती है, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो इकलौता इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप है जी जी। तो उसमें अगर देखेंगे रेड और रेस्क्यू अगर करेंगे तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, MLC कराती है, यानी मेडिकल रिपोर्ट हम देखते हैं कि क्या उनका है, सही है, क्या उनको आघात हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो साइकोलॉजिकल जो डैमेज है वो पार्ट हमसे छूट जाता है। और एक और जो हमारा फोकस होता है वो होता है रीइंटीग्रेशन और रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन में बहुत फर्क है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, और रीइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ से आए थे वहीं उनको वापस भेज दिया जाए। अगर हम जो फैक्टर्स वल्नरेबिलिटी जिनके कारण वो ट्रैफिक हुए थे अगर उसी को हम एड्रेस ना करें और वापस उनको रीइंटीग्रेट वहीं कर दें, तो फिर कैसे संभव है, वो रिविक्टिमाइज हो जाएंगे। अगर उसको नहीं एड्रेस करना है तो किसके हाथ में है, तो फिर सोशल जस्टिस सिस्टम के हाथ। तो यही प्रयास रहा है मेरे रिसर्च में और जो मुझे निकल के आया रिसर्च में से, जिसपे मैं काफी स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ कि सोशल जस्टिस सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली आगे आना पड़ेगा अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर हम रोकथाम करना चाहते हैं, तो कॉम्बैट करना चाहते हैं तो। और साथ में वो जो 4th P जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में सोशल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक कन्वर्जेंट रूप में काम करना पड़ेगा।